नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अब एवरेस्ट पर फहराएगा बुंदेलखंड का झंडा कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव। लंबे समय से बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े उन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को और बुलंद करने के उद्देश्य के लिए बुंदेलखंड राज्य जिसकी प्रस्तावित राजधानी राम राजा सरकार की नगरी ओरछा राज्य का नक्शा एवं झंडे को विश्व की सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट की चोटी पर फहराने का संकल्प लिया। बॉक्सी जब सैनिक स्कूल में पढ़ते थे तभी से उनको एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने की चाहत थी। इसके लिए उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से ए ग्रेड से अपना पर्वतारोहण का कोर्स पूरा किया। 2 साल चली कड़ी ट्रेनिंग को पूरा कर वे एवरेस्ट जाने को तैयार हैं। बॉक्सी कमर्शियल पायलट हैं। वे जब प्लेन उड़ाते थे तो ऊपर से दिखने वाली पहाड़ों की चोटियां उन्हें बहुत आकर्षित करती थीं। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा की ओर से बड़ी संख्या में बुंदेली योद्धाओं ने बॉक्सी को झंडा सौंपते हुए उनकी सफलता की कामना के साथ उनको फूल मालाओं से लाद दिया। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के योद्धाओं ने ईश्वर से प्रार्थना की बुंदेली योद्धा बॉक्सी को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफल करे, जिससे सारी दुनिया तिरंगे के साथ बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग के साथ प्रस्तावित बुंदेलखंड राज्य का झंडा भी देखे। आज क्या किया गया इस तरह के? देखिए, हमारे बीच के हमारे छोटे भाई कैप्टन सुरेंद्र सिंह और बॉक्सी साहब हमारे बुंदेलखंड के पहले योद्धा हैं जो एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने जा रहे हैं। एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा तो सारे लोग लहराते हैं, आप भी लहराएंगे, लेकिन उसके साथ बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग और बुंदेलखंड का प्रस्तावित जो भूभाग है बुंदेलखंड राज्य निर्माण का उसका नक्शा और मैप में एक झंडे के साथ आप लेके जा रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड का झंडा भी आप एवरेस्ट पर लहराने का कार्य करने वाले हैं। हम लोग की शुभकामनाएँ, हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे सुरेंद्र सिंह बॉक्सी साहब के लिए कि आप वहाँ पहुँचें, बुंदेलखंड का और पूरे देश का नाम ऊंचा करें। ये जब 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 छोटे थे तो ये इनकी शिक्षा सैनिक स्कूल से शुरू हुई, फिर ये BKD में पढ़े हैं, ये कमर्शियल पायलट हैं, जहाज उड़ाया करते थे, लेकिन इनमें जुनून था कि हमें जाना है, हमें एवरेस्ट जाना है। आखिर आज वो दिन आ गया जब 31 तारीख को आपको वहाँ पहुँचना है काठमांडू, और काठमांडू से इनकी यात्रा प्रारंभ होगी। हम सारे बुंदेलखंड वासियों की, बुंदेलखंड के हर नागरिक की, बुंदेलखंड के हर बच्चे की, महिला की, पुरुष की, सबकी भावनाएं आपके साथ हैं सुरेंद्र भाई, कि आप फतेह होके आएँ, आप बुंदेलखंड का झंडा एवरेस्ट पे जब लगाएं और जब आपकी फ़ोटो वहां से आए तो हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा ये देख कर के हमारे बीच का भाई आज चोटी तो फतेह कर ही रहा है, साथ ही उसने बुंदेलखंड को बिसारा नहीं है। एक लंबे समय से आप बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ जुड़े रहे हैं, बुंदेलखंड का राज्य निर्माण का कार्य करते रहे हैं, और आगे भी भविष्य में जब ये लौट के आएंगे तो और सक्रियता से ये कार्य करते नज़र आएंगे। देखिए, मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ, किसान का बेटा हूँ, और यहाँ पर कितनी दुश्वारियाँ हैं विकास की। यहाँ पर अगर आप देखें चारों तरफ तो विकास कहीं दिखाई नहीं देता है, बेरोजगारी चरम पर है, और ये आपको पता है कि जितना छोटा परिवार होता आप अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेट के अगर आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए है तो छोटे राज्य बनना बहुत ज़रूरी है। बुंदेलखंड की हमारे जैसे भाषाओं के अनुसार राज्यों का निर्माण हुआ था, आज़ादी से पहले से ही बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग चलती चली आ रही है, और इसी मांग को बुलंद करने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि बुंदेलखंड का झंडा, बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को मैं एवरेस्ट पर्वत तक लेके जाऊं, जिससे जो बहरी गूंगी सरकारें हैं वो किसी भी दल की हों हमारे बुंदेलखंड राज्य को जल्दी से जल्दी बनाएं, और इसी संकल्प के साथ मैं एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहा हूं, जिससे जल्दी से हमारे राज्य का निर्माण हो सके। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज़। नमस्कार।